खुश नज़र आ रही हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको एक प्रसन्नता प्रकट हो रही है? नहीं, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं जिनको देखकर बहुत सुकून मिला। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो वो आए। लेकिन आप कह रही हैं अस्थियाँ रखी हुई हैं, अस्थियों से डरते हैं बच्चे, डरते हैं लोग, बाग डरते हैं, और आप कह रही हैं अस्थियों को देखने के लिए आना चाहिए? नहीं, कोई भूत थोड़ी उनको देख के डरेंगे, वो अस्थियाँ हैं। अस्थियों में क्या है, अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी अस्थियाँ बनती हैं। ऐसे तो क्या नाम है, कुछ जानवर भी होता है, कुछ भी होता है, उसकी अस्थियाँ दिखती हैं, लोग ऐसे टिक्की मार के बैठे, लेकिन वो तो भगवान मतलब बुद्ध हैं, जिनको क्या नाम है, हम लोग मतलब जिनकी हम उस पर चलते हैं, उनके जो उन्होंने रास्ता सिखाया है बौद्ध धर्म का, उस पर हम चलते हैं, उनके उनको मानते हैं हम, तो उसको देखकर बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिला है। सिमराज जी, जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो रास्ता दिखाए थे, उनमें से कुछ रास्ते ऐसे बताएं जिससे जो महिलाएं उनको ग्रहण करें और उनका उद्धार हो, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो अधिकतर अंधविश्वास में फंसी पड़ी हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए कि भगवान ने कभी जैसे हमको भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वो भी एक इंसान ही थे, तो उन्होंने यही सिखाया है कि हमेशा मतलब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उस पर मत विचार वो करो, पहले तुम खुद सोचो समझो और फिर उस बात पे अमल करो कि जो मैं कह रहा हूँ। बुद्धिजीवी बुद्ध का मतलब बुद्धिजीवी होता है, तो मतलब अपने बुद्धिजीवी मतलब बुद्धि से हमें अपना विचार करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि बैग है और बैग को बैग नहीं मानना चाहिए, भगवान गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश से उन्हें बताएं। देखो, भगवान बुद्ध के ये है, उनके वैसे तो अष्टांग नियम है जो मतलब बहुत मुश्किल होते हैं नियम मतलब इंसानों के लिए पालन करना, लेकिन फिर भी हम उनके रास्ते पे बताए चलेंगे तो काफ़ी हमारा उद्धार होगा। जैसे कि एक तो हमें शिक्षा सबसे पहले है, हमको शिक्षा पे जाना चाहिए, मतलब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी अपनी जो घर की महिलाएँ हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनको आगे आने का मौका दें, तो उसके बाद फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजें और हम खुद भी आगे रहें। मैडम, देखा गया है कि जो बौद्ध धर्म से जो शादी करते हैं और जो लड़कियां शादी करते हैं, लड़के शादी कर लेते हैं, देखो उसके बाद में उन्हें लगता है कि लड़कियां कहते हैं भाई मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरे तो फेरे पड़े ही नहीं, तो मेरी शादी किस बात की? नहीं, मैं आपके सामने हूँ, मेरी बौद्ध धर्म से शादी हुई है जी, जो कि मेरा मैं अपने खानदान में एक पहली मतलब वो हूँ फीमेल जिसकी मतलब बौद्ध धर्म से ही शादी हुई है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अगर फेरे नहीं होंगे तो शादी नहीं होती, ऐसा नहीं है, उल्टा बौद्ध धर्म की शादी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है, जितनी फेरों की नहीं चलती। मैडम ने अभी बताया कि जो एक बौद्ध धर्म से शादी होती है वो ज़्यादा सक्सेस हो जाती है, लेकिन जो अग्नि के जो फेरे लेते हैं या जो सात फेरे लेते हैं उसमें अधिकतर देखा गया है कि बहुत सारे केसेस जो है मेडिसिनल सेंटर के अंदर हैं, और तो आप प्रोफेसर हैं, तो आप ये बताएं कि जो जो अग्नि की जो फेरे लेते हैं या जो अग्नि के वो एक साक्षी मानकर शादी करते हैं वो अच्छा है या बौद्ध धर्म से शादी करना अच्छा? नहीं, बौद्ध धर्म से शादी करना इसलिए अच्छा है, एक तो हम कर्म कांडों से मुक्त हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, और कर्म कांडों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उसमें भाई आप ब्रह्मा विष्णु उनको साक्षी मान करके आप शादी करते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शिव है, हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बुद्ध हैं उनको साक्षी मान करके शादी करते हैं। बुद्ध है वो भी कोई भगवान नहीं है, वो एक महामानव हैं जिनको हम जिनके विचारों को जिनके सिद्धांतों को हम मान रहे हैं, तो उनको साक्षी मान करके हम शादी करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है, और वो इसलिए भी ठीक है कि तो इससे अगर हम उसको प्रॉपर वे में करते हैं बौद्ध धर्म से, तो इससे दहेज प्रथा है उससे भी मुक्ति मिलती है हमको, दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म में दहेज लेना है वो जिस तरह से होता है कि कन्या है वो प्रॉपर्टी है उसका दान दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो परंपरागत शादियों में होती हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। प्रोफेसर साहिबा, मैंने देखा है कि आप कह रही हैं कि जब बौद्ध धर्म से शादी करते हैं दहेज से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब लड़की की शादी करने जाते हैं जब कह देते हैं हम बौद्धिस्ट हैं, जब लड़के की शादी करने नहीं, जब लड़के की शादी करते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, लड़के की चाचा है चाची से मालूम कर लो, जो ये कह देंगे हम वही करेंगे, चाची कहेंगे कि भाई हमें तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, इतना कैश चाहिए, तो उस समय जो है एक दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो है, अभी ना समाज सच्चाई है ना? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जब हम लड़कों की शादी करते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो ऐसे नहीं, मतलब मिलता है तो वो चुपचाप ले लेते हैं, लेकिन वो ये कहेंगे हमने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब लड़कियों की शादी करते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म से शादी करेंगे ताकि उनको ना देना पड़े। भी समाज को मुझे लगता है अभी चीज़ों को समझने में अभी समय लगेगा, हमारा समाज क्योंकि पिछड़ा हुआ है, और बेसिक चीज़ें अगर उसको शादी में मिलती हैं तो एक वो लालच उसको अभी रहता है।
घर गृहस्थी का जो बेसिक सामान है वो उसको मिलता है, उसका मन में लालच रहता है तो वो ले लेता है उसको। लेकिन ये भी देखा गया है कि हम लड़की को काफी पढ़ाते हैं, लेकिन जब लड़की को पढ़ाते हैं तो जो लड़का पक्ष है वो कहते हैं भाई आपको दहेज देना ही होगा, लेकिन जहाँ हम लड़की को पढ़ाने में पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ लड़के का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पैसा तो बराबर खर्च हो रहा है ना, लेकिन लड़की पक्ष को बहुत कमजोर समझा, क्योंकि ना हम अभी भले ही हम अपने आप को कह रहे हैं कि बौद्धिस्ट है या बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पीछे की पीढ़ियाँ हैं वो अभी क्योंकि उन्हीं परंपरागत संस्कारों से संचालित हैं तो अभी उनका माइंड सेट है उसको बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हो सकता है वो लड़कियों के मामले में ये कह रहे हैं कि नहीं हमें हम बौद्ध धर्म से शादी करेंगे, हो सकता है कि धीरे धीरे ये बदलाव आएगा, एकदम से जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आ सकता, समय लगेगा उसमें। जैसे कहा जाता है कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् की बात करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते हैं, इनका क्या मतलब है नमो तस्य भगवतो? जहाँ भी हम देते हैं प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे प्रोग्रामों में सबसे पहले यही मतलब अपना गाना स्टार्ट कर देते हैं कि नमो तस्य भगवतो, तीन बार बोलते हैं फिर बुद्धम शरणम गच्छामि का बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये है कि हम तीन बार इसलिए बोलते हैं कि तीन शब्द है वो पवित्र है। जैसे हिंदू धर्म में तीन चीज़ें हैं वो कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद क्योंकि बौद्ध धर्म में तीन चीज़ें पवित्र हैं इसलिए हम उसको हर चीज़ को तीन बार करते हैं, क्योंकि एक बार मन से, एक बार वचन से और एक बार कर्म से चीज़ों को हम अपने व्यवहार में अप्लाई करें, इसलिए उसको तीन बार बोलते हैं। तो प्रोफेसर साहिबा, आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के संबंध में? बौद्ध धर्म के संबंध में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास से निकलें, क्योंकि जब तक वो पाठ पूजा से निकलें, पूजा पाठ व्रत पर्वोत्सव हैं इन सब चीज़ों से जब तक हम नहीं निकलेंगे महिलाओं का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पुरुष इन सब चीज़ों में चाहे वो हिंदू धर्म में वो इन सब चीज़ों से कहीं भी नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ औरतें ही जुड़ी हुई हैं। सारा मुझे लगता है कि धर्म को संभालने का ठेका क्योंकि उन्होंने लिया हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि तकलीफ उनको होती है, इसलिए पहल भी सबसे पहले उनको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि महापुरुष भी यही कह गए कि अगर महिलाएं एक परिवार की महिला अगर सुधर जाएगी, सुधरने का मतलब पूरा मतलब कई परिवारों को सुधार लेगी। हाँ ये तो है ही भी, अगर एक बाबा साहब ने भी कहा है और हमारे फूले दंपति हैं वो भी सिद्धांत को लेकर के चले हैं कि अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला स्कूल है वो लड़कियों के लिए ही खोला था, कि अगर वो लड़कों के लिए भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने लड़कियों के लिए ही खोला क्योंकि उनके दिमाग में ये बात थी ना कि अगर हम लड़की को शिक्षित करते हैं तो तमाम परिवार शिक्षित होगा। हाँ और लड़का शिक्षित कर रहा है, लड़के हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में खूब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आदमी लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन जो बच्चों को संभालने की जो वास्तविक जिम्मेदारी है अगर वो वर्किंग भी हैं तो भी वो महिलाओं पर जिम्मेदारी है, तो वो जितना ज़्यादा शिक्षित होंगी बच्चों को वो उतना ही ज़्यादा संस्कारित कर पाएंगी। बहुत अच्छी बात अभी बताया विनीता जी ने, जो प्रोफेसर हैं अच्छी बात बताई कि जो ये अंधविश्वास है अंधविश्वास से हटना होगा, क्योंकि कहा जाता है जब करवा चौथ आती है तो उसमें एक 5 रुपये की तस्वीर होती है और 10 रुपये का मटका होता है, उससे ही भगवान की एज भगवान से एक वो मानते हैं कि हमें हमारे हस्बैंड की उम्र बढ़नी चाहिए, अगर कागज और मटका अगर उम्र बढ़ा दे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी उम्र हो जाएगी तो फिर वो उसके जो पति हैं उनकी उम्र कितनी होगी। इन सब चीज़ों को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ है, इस अंधविश्वास से हटना होगा। क्यों हटना होगा? अगर जो जो बाबा साहब की और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा पे चला, उन्होंने अपना तरक्की करी, अपना उद्धार किया, अपना सुधार किया, और देशों ने भी बाबा साहब की बात मानी, भगवान गौतम बुद्ध की बात मानी, इन सब बातों को मान के उनकी तरक्की हुई। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।